ये देखिए गाइस, सबसे पहले आप इसकी आइज़ देख लें। ये आपको देखकर इसका फेस पता चल गया होगा, ये मेरी कालनों का ब्रीड में से मादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलुल्लाह वाला अलैका वसहाबिका या सैयदी या हबीबुल्लाह। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपको अपने एक पेयर का शौक करवाना है, और ये वाला वो पेयर है, इसका आज आपको मैंने शौक करवाना है। ये देखिए गाइस, पहले मैंने कहा इनका आपको चलना फिरना दिखा दूँ मैं। ये देखिए, ये दोनों घर की पट्ठा पट्ठी हैं, यानी कि ये जो नर है, ये जो जा रहा है आगे आगे, ये नर है, ये अपनी येलो आइज़ वाले पेयर का जो मसलन के उस ब्रीड में से है, और ये कालनों का ब्रीड में से है फीमेल। और ये देखें, दोनों माशाल्लाह खड़े हुए हैं आपके सामने। थोड़ा मैंने कहा चलना फिरना आपको इसका दिखा दूँगा कैसे लगते हैं ये चलते हुए। ये देखिए गाइस, ये अब आपके सामने है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले आए गाइस, इनका शौक करते हैं। सो गाइस, ये देखें, ये वो फीमेल है जिसका आज आपको शौक करवाना है। पहले मैंने कहा फीमेल का शौक करवा देता हूँ, बाद में आपको मेल का शौक करवा देता हूँ। अपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल वाले आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये देखें गाइस, सबसे पहले आप इसकी आइज़ देख लें। ये आपको देखकर इसका फेस पता चल गया होगा, ये मेरी कालनों का ब्रीड में से मादा है। माशाल्लाह से ये भी बचपन में मेरे पास बहुत उड़ी हुई है फीमेल ये वाली, तो इसको मैंने रोक लिया था फिर ब्रीडिंग के लिए। इसके साथ वाले भाई मेरे पास उड़ भी रहे हैं, इंशाल्लाह उनका रिजल्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये देखें, सबसे पहले आपको इसकी आइज़ का शौक करवा दूँ। ये देखें, ये इसकी आइज़ है माशाल्लाह से, ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ये जो इसका कालनों का बाप है, ये सेम टू सेम। अगर किसी ने मेरी कालनों का ब्रीड वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं जाके, कि कालनों का ब्रीड में जो उसका बाप है ना इस पट्टी का, वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह का येलो आइज़ का है। ये देखें, सबसे पहले इसकी एक तरफ की आइज़ देख लें आप, माशाल्लाह से बिल्कुल वाइट आइज़ है इसकी, खुशादा आइज़ हैं ये। आपको मसलन के जब आप कबूतर देखा करें तो ये लाजमी तौर पे नोट किया करें कि जो इसका ब्लैक स्पॉट है ना, उसके गिर्द भी दायरा होना चाहिए। ये अगर आपको नज़र आए तो इसके आइज़ के गिर्द भी ब्लैक स्पॉट है। अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊँ नंबर, ये देखें गाइस, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कहा जूम करके आपको दिखा दूँ। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसका जो है ना ब्लैक सर्कल, उसके गिर्द भी दायरा है। ये ब्रीडिंग के लिए, कबूतरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बाकी मैं आपको दूसरी इसकी आइज़ दिखाता हूँ। ये इसकी दूसरी तरफ की माशाल्लाह से आइज़ है, ये देखें गाइस, ये दोनों तरफ से येलो आइज़ की है। तो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखें गाइस, ये देखें सेम आइज़ है दोनों तरफ से। और ये हल्के हल्के अगर आपको नज़र आ रहे होंगे, इसके बाप के भी यहाँ पर थीम है और इसके भी थीम है। ये देखें गाइस, दोनों तरफ की आइज़ इसकी येलो है। और अगर इसको आपके पर दिखाऊं तो ये पर कटी हुई है, ये देख लें बराबर, फिर भी कटी तो हुई है, लेकिन फिर भी आप इसके पर देख लें, ये दो आ रहे हैं, इससे आपको आइडिया हो रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसे ट्विस्ट वाले पर हैं, जो मैं उस दिन वीडियो में बता भी रहा था, ये देखें ट्विस्ट वाले पर हैं। यही पर आप अपने कबूतरों में भी रखा करें। और ये इसका दूसरी तरफ का पल्ला है, ये देखें, ये गोल की हुई थी, अभी इसकी एक एक दो कलियाँ आ रही हैं। और ये इसकी दुम है, ये माशाल्लाह से सारी ब्रीड जितनी भी है ये सारी मेंटेन ब्रीड है, देख रहे हैं आप, बंदुम की मादा है। और अगर मैं आपको इसके पंजे दिखाऊं, ये देखिए माशाल्लाह से गहरे और खुश्क पंजे हैं इसके, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, गहरे और खुश्क पंजे हैं माशाल्लाह से। ये मेरे फेवरेट पंजों में से है, हमेशा मैं बताता हूँ मुझे गहरे और खुश्क पंजे पसंद हैं। और बड़े नाखून की बात करता होता हूँ मैं, तो ये देखें इसके नाखून भी बड़े हैं। और ये देखें, ये कालनों का ब्रीड की जो मैं बताता होता हूँ कि निशानी है, कि उसकी जो है ना पान वो ब्लैक कलर का आता है, ये भी और गहरा हो जाए। बाप की तरह वीडियो नहीं, तो आप जाके देख सकते, पहली वीडियो जो है कालनों का ब्रीड की, उसके सेम टू सेम इसकी जनरेशन ही भी है, उसमें ब्लैक के आते हैं स्पॉट। बाकी ये भी प्रे देख रहे ना गाइस, ये माशाल्लाह से इसका ओवर व्यू है, ये देखिए इस फीमेल का ओवर व्यू है अगर आपको नज़र। सो गाइस, ये देखें, ये इस फीमेल का मेल है, इसका शौक करवाता हूँ। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये देखें गाइस, ये वो मेरी येलो आइज़ वाले कबूतरों में से है ये माशाल्लाह से। इसके अगर मैं आपको आइज़ दिखाऊँ, ये देखें अब आपको नज़र आ रहा होगा, मैं अगर जूम करके आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से। ये भी टीरा कबूतर हल्की सी, अगर इधर ये देखें ना, इसका झुकाव जो है ना हल्का सा फील होगा, फिर हल्का सा आपको फील हो रहा होगा, ये ब्लैक स्पॉट है इसके साइड पे ना। तो ये डबल पलक का मालिक है, इसकी जो माँ है वो भी डबल पलक में है,
तो इस तरह ये बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। ये देखिए एक तरफ की आइज़ इसकी येलो है, और इसकी अगर मैं आपको दूसरी तरफ की आइज़ दिखाऊँ तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी तरफ की आइज़ भी इसकी येलो है। ये देखिए अब आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से, ये इसकी दूसरी तरफ की आइज़ है। सो ये देखें ये इसकी येलो आइज़ है, वो नज़र भी कैमरे में आ रहा होगा। ये देखें इसका ये बड़ा कबूतर है माशाल्लाह से, बिल्कुल ये दूसरी दफ़ा दस्ता साफ़ कर चुका हुआ है। ये बिल्कुल यानी कि दिखने के लिहाज से ये अपने बाप पे गया हुआ है, और ये जो इसकी नीचे ब्लैक है ना चूँच के नीचे, ये बिल्कुल सेम टू सेम अपने बाप पे गया है। तो माशाल्लाह से इसका अगर मैं पर दिखाऊँ आपको तो ये इसका है पर एक तरफ का, ये भी कैंच है, क्रीच पड़ा हुआ है आपके सामने भाई, जोर ना लगा, जोर लगा रहे कटे हुए हैं कबूतर मेरे आपको पता जोड़ों में लगे हुए हैं। और ये इसका दूसरी तरफ का पल्ला है, लेकिन ये एक पर देख रहे हैं आप कितना चौड़ा है। वो फीमेल का आपने पर देखा था तो बिल्कुल ब्रीक पर था, और इसका पर जो है ना वो चौड़ा है, यानी कि एक का पर चौड़ा होना चाहिए एक का थोड़ा ब्रीक होना चाहिए, फिर इस तरह मेनटेन जोड़ा अच्छा हो जाता है। ये इसका दूसरी तरफ का पल्ला है, ये दुम अपनी थोड़ी खोलता है। ये देखें गाइस जो फीमेल की आपको दुम दिखाई बिल्कुल बंद थी, अब देखें पहले वीडियोज़ में आपने देखा है कि जो मेल था उसकी दुम हमेशा बंद ही थी, जितने भी आपको मेल्स दिखाए हैं फीमेल की थोड़ी बहुत ओपन थी या किसी की नहीं भी थी, लेकिन इस जोड़े में ना जो फीमेल है उसकी दुम बिल्कुल बंद है और मेल की दुम खुली हुई है। इसके बच्चे भी माशाल्लाह मेरे पास उड़े हुए हैं, वो दोस्त के पास टाइम नहीं लग रहा जाने का, नहीं तो मैं आपको प्रॉपर इनकी ये वीडियो दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद दोस्त के पास जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगा फ़लाँ फ़लाँ ब्रीड में से ये बच्चे इनके पास माशाल्लाह उड़ रहे हैं। और ये इसके पंजे, ये देखिए माशाल्लाह से इसके पंजे गहरे और खुश्क पंजे हैं माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं आप। और ये देखें ये भी परेल जो कि मुझे पसंद है, ठीक है ना गाइस। और ये इसका ओवरव्यू है। सो गाइस ये था वो जोड़ा जिसको आपको शौक करवाना था, शौक मैंने करवा दिया है। आप लोगों ने बताना है कि मेरा जोड़ा आपको कैसा लगा है, बाकी अगर कोई चीज़ में करेक्शन करने वाली है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि भाई इसमें ये करेक्शन कर दें तो और बेहतर हो जाएगा। आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर कोई गलती वलती है इसमें तो आप बिल्कुल निकाल के मुझे बता सकते हैं, तो इसमें मैं ज़रा सा भी फील नहीं करूँगा। हर बंदे का अपना एक हिसाब किताब होता है, मेरा अपना हिसाब है जोड़ा लगाने का, मुझे इस तरह जोड़े अच्छे लगते हैं जिस तरह मैं लगाता हूँ। तो अगर किसी भाई को लगे कि भाई इसमें थोड़ा सी मुझे सुधार करना चाहिए, इसको और बेहतर करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, मैं इंशाल्लाह उसकी बात को फॉलो करूँगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और सबसे जो मेन बात है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल वाला आइकन को प्रेस कर देना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।